जी वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। अच्छा इलामा असकर आरिफ चिश्ती साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप क्या समझते हैं कि इस्लामी तालीमात और आइन पाकिस्तान की रोशनी में इंसान के कौन कौन से बुनियादी हकूक हैं जो उसे मिलने चाहिए, और आपके ख्याल में क्या इस वक्त की हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्या वो वाकई उनके बुनियादी हकूक उनको फराहम कर रही है? क्योंकि आप तो पी टी आई से जो है मुंसलिक हैं, आपको तो पता है। सबसे पहले ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि बुनियादी इंसानी हकूक हर शख्स के लिए, चाहे पाकिस्तान में रहने वाला वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, या किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला हो, हर शख्स के बुनियादी इंसानी हकूक बराबर हैं। उसमें सबसे पहले सेहत है। सेहत हर इंसान का हक है। सेहत हर इंसान के लिए, ये उसके लिए ज़रूरी है कि वो सेहतमंद हो, हर किस्म की उसके लिए आसाइश हो, हर किस्म की उसके लिए ज़रूरत हो। और दूसरी तरफ अगर आ जाएं तो वो तालीम है। अब यहाँ पर दीगर भी हक मौजूद हैं, मसावात है, इजहार हक का एक तासुर है, लेकिन मैं ये कहना ये चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त हकूमत में है, उसकी ये भरपूर कोशिश है कि दुनिया के अंदर, बल्कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अमीर तबका ही इन बुनियादी इंसानी हकूक से फ़ायदा ना उठाए, बल्कि जो गरीब तबका है वो भी इससे मुस्तफीद हो सके। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेहत कार्ड का इजरा किया, उसका मकसद यही था कि वो गरीब तबका, वो गरीब इंसान। लेकिन वो नून लीग वाले कहते हैं कि वो हमारा प्रोग्राम था। देखिए जी, वो अब यहाँ पर एक पॉइंट स्कोरिंग आ जाती है कि कोई भी हकूमत के अंदर जब कोई इंसान अच्छा अमल करेगा तो ऑपोजिशन वाले हकीम हमेशा उस पर तनकीद करेंगे, उसके एक पॉजिटिव अमल को भी वो अच्छा नहीं समझेंगे, उसकी तारीफ करना उनके लिए गुनाह समझा जाएगा। लेकिन मैं यही समझता हूँ कि आज आप देखें कि हर वो इंसान जो गरीब तबका है, बल्कि मैं खुद इस चीज का शाहिद हूं, उन लोगों तक ये कार्ड पहुंचाएंगे जिन लोगों को इस चीज का इलम ही नहीं था, और वो इतने खुश हुए, इतनी दुआएं देते हैं मोहतरम जनाब इमरान खान साहब को, क्योंकि गुज़िश्ता दौर के अंदर ये एक रीत रही है, रिवाज रहा है कि जिसके पास सिफारिश मौजूद है, जिसके पास कोई ना कोई किसी का, अमीर तबके का, किसी सियासतदान का कोई राबता मौजूद है, वो सारी आसाइशें, वो सारी बेहतरीन जितने भी सहूलियात हैं वो सिर्फ उसी शख्स के लिए है। लेकिन आज के इस दौर के अंदर इमरान खान साहब ने ये अजम किया है, ये परचम उठाया है कि हर वो शख्स जो गरीब तबका है, उसका ताल्लुक चाहे नून लीग से हो, चाहे पीपल्स पार्टी से हो, लेकिन गरीब तबका वो किसी भी सहूलत से महरूम ना रहे। और इसमें यह भी बात आप जहन नशीन कर लें कि जिस तरह मौलाना आसिम मखदूम साहब ने यह कहा कि ये लोगों के अंदर आगाही की कमी है, तालीम की कमी है, कि उन्हें इस चीज का पता हो, एहसास हो, तालीम हो कि हमारे बुनियादी हकूक हैं क्या। इस पर मैं पीस एंड एजुकेशन को खराज तहसीन पेश करता हूं, जो पूरे पाकिस्तान में से मुख्तलिफ तबकात के लोगों को इकट्ठा करके, उसमें मसाजिद के आइमा किराम भी हैं, स्कूल टीचर्स भी हैं, मुख्तलिफ तबकात के जितने भी लोग हैं, और सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि तमाम मजाहिब के लोगों को इकट्ठा करके उन्हें 3 दिन की बाकायदा वर्कशॉप करवाते हैं। और उसके अंदर मकसद क्या होता है कि इन्हें यह बताया जाए कि आपके बुनियादी इंसानी हकूक क्या हैं। तो मैं यही समझता हूं कि हकूमत अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन विजन की तरह गामजन है, और अल्लाह से दुआ है अल्लाह इसे कामयाबी नसीब फरमाए। अच्छा आसिम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप ये बताइएगा कि पाकिस्तानी माशरे में खवातीन के कौन से हकूक हैं जो पामाल हो रहे हैं, जो उन्हें नहीं मिल रहे और उनको वो हकूक मिलने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन ख़वातीन की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा मसला विरासत का आता है कि बहुत से मजहबी ख़ानदान भी ऐसे हैं वो भी इस मसले पर आकर खामोश हो जाते हैं। इस्लाम ख़वातीन को जो हुकूक देता है वो विरासत के हों, वो इज़्ज़त के हों, वो ख़वातीन की देखभाल के हों। तो आज जो है पाकिस्तानी माशरे के अंदर देखते हैं और फिर इस्लामी माशरे के अंदर देखते हैं कि ख्वातीन को वो हुकूक नहीं मिल रहे।
विरासत के ऊपर आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है, मेंबर ऑफ मेहराब से, दीगर सियासी प्लेटफॉर्म से, सियासी जमातों को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि हर कस्बे और गाँव का एक अलहदा से एक निज़ाम है कि जहाँ ख़वातीन के जायदाद से उनको महरूम कर दिया जाता है। और फिर आप अगर पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों में चले जाएं तो औरत की शादियां जो है ना वो दरख्तों के साथ कर दी जाती हैं, इसलिए कि वो औरत जो है वो एक अमीर औरत होती है, तो उसके भाई ये समझते हैं कि अगर ये ब्याही गई तो इसको जायदाद का कुछ हिस्सा देना पड़ेगा और एक तीसरा आदमी जो है वो हमारी हमारे विरासत का हकदार बन जाएगा, तो इस चीज़ से बचने के लिए उसकी शादी नहीं की जाती। और बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जो गसब हो रहे हैं। औरत की अगर हम बात करें तो औरत जो आज़ादी की बात करती है, जो आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं, वो औरत अपने बुनियादी हकूक पर बात ही नहीं करती, दूसरी तरफ उसको वरगलाया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि ये भी औरत के खिलाफ, जैसा कि वो पहले मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले नारे चलते रहे, वो मेरा जिस्म की हद तक वो चला गया, कपड़ों की हद तक वो चला गया, दुपट्टे की हद तक वो चला गया, लेकिन जो उसके हुकूक हैं उसकी कोई बात नहीं करता। तो वो औरत खुद भी तो अपने हकूक की बात नहीं ना करती, वो भी तो इस किस्म के नारे जो है लगा रही होती है कि मुझे फलां चीज़ की आज़ादी चाहिए, फलां चीज़ की आज़ादी चाहिए, वो अपने बुनियादी हकूक की खुद भी तो बात नहीं ना करती। देखें जी, वो पाकिस्तान की जो आबादी है, मैं नहीं समझता कि 100 में से 1% भी हो, 1000 में से भी 1% नहीं होगी, 1,00,000 में से भी 1% नहीं हो सकती। बहुत कम औरतें जो हैं वो साल बाद जो है जब औरतों का दिन आता है तो वो ये नारा बुलंद करती हैं। असल जो घर में औरत बैठी हुई है ना जी, वो अपने हुकूक की बात नहीं करती। मसला ये है, अब तालीम दिलवाई जाती है लेकिन औरत को फिर भी कमज़ोर समझा जाता है। औरत यकीनन कमज़ोर नहीं है, औरत ताकतवर है, औरत मजबूत है। और इमामुल अंबिया सरवर कौनैन वस्सकलैन की अगर हम बात करें, जो मुसलमानों के इमाम हैं, मुसलमानों की जान है, कलमा तैयबा जब हम पढ़ते हैं तो उनके ऊपर जब तक ईमान नहीं लाते तो ईमान मुकम्मल नहीं होता। कुरान मजीद के मुताबिक तो जब तक हम अपनी माल औलाद सबसे ज़्यादा अगर उनको कुर्बान उनसे ज़्यादा ना जाने तो उस वक़्त तक हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं हो सकता। अच्छा, मैं अल्लामा गुलाम अब्बास शिराजी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि जो औरतों के बुनियादी हकूक़ हैं हमारे माशरे में, क्या वो उनको नहीं मिल रहे, या आपके ख्याल में जो उनके हकूक़ हैं वो उनको मिल रहे हैं? आप क्या इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या देना चाहते हैं, आपका क्या तज़िया इस पर? उस हवाले से ये है कि औरतों के जो हकूक़ हैं उनको यकीनन सबसे बड़ा जो है वो विरासत का मसला है, उनकी तालीम का मसला है, उनको बहुत सारी जगह पे उनको तालीम से महरूम रखा जाता है, बहुत सारी जगह पे शादी के जो मसाइल हैं उस हवाले से उनको मुश्किलात हैं। तो यकीनन उनके बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसकी तरफ ख्वातीन जो हैं ख़ुद भी मुतवज्जो नहीं हैं, या वो जो इदारे ख्वातीन की नुमाइंदगी कर रहे हैं उनका भी जो एम है कोई वो और है, लेकिन वो औरतों के हकूक़ की बात जो है वो नहीं करते। अगर वो विरासत की बात करें तो औरतों का सबसे बड़ा जो मसला है वो विरासत का मसला है, और उनकी शादियां जो हैं वो जैसे यानी इंसान के अलावा मुख्तलिफ यानी के चीज़ों से कर दी जाती हैं, तो ये भी उनके साथ ज़्यादती है। उनको एजुकेशन में जो है वो उनका हक जो है वो नहीं दिलाया जाता, उनको पेरेंट्स जो हैं वो तालीम के मामलात में उनको पीछे रखते हैं, और भी बहुत सारे यानी कि अगर हम गिनना चाहें। और जैसे ये इदारा पीस एंड एजुकेशन है, उसने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया ख्वातीन के हकूक़ के हवाले से, और पॉजिटिव काम किया, यानी कि उसको उसकी नज़रियाती बुनियादों पे काम किया और मेहराब व मिंबर से ताकि ये मैसेज जाए। तो ये जो चीज़ें हैं ये यकीनन जो हैं वो उनका हक जो है, उनको राइट्स जो हैं वो नहीं मिल रहे, उसके लिए जो है वो हुकूमतों का भी काम है, इदारों का भी काम है कि जो केस जो हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं लेकिन उसके बावजूद जो है वो हक से महरूम रहते हैं। अच्छा, इलामा असगर आरिफ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि आप क्यों नहीं जो है औरतों के बुनियादी हकूक़ उनको क्यों नहीं फ्राहम कर रहे, आपकी हुकूमत क्या कर रही है इसमें जो है औरतों के जो बुनियादी हकूक़ उनके बनते हैं वो क्यों नहीं उनको मिल रहे? देखिए जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसको अभी तकरीबन 2 साल का अरसा गुजरा है,
लेकिन ये 70 साल से ये मसला चला आ रहा है और इसमें तमाम चीज़ें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानब जा रही हैं। और मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि औरत के हकूक़ में जो सबसे बेहतर उसका हक है वो उसकी तालीम है। अगर औरत को तालीम दिलवाई जाए, उसे तालीम से मुज़य्यन किया जाए, तो वो अपना हक खुद मांग सकती है, अपना हक खुद ले सकती है। लिहाजा मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि कोई भी मामला जो 70 सालों से चला आ रहा है उसको हकूमत पे डालना ये एक गलती होगी, क्योंकि ये हकूमत का पैदा किया हुआ मसला नहीं है। ये एक ऐसा रिवाज, वो जाहिलाना रिवाज चलता आ रहा है कि औरत को तालीम से महरूम रखा। हुकूमत इस पे अमल दरामद तो करवा सकती है ना, अगर करवाना चाहे तो। बिल्कुल, हुकूमत बिल्कुल इस पर काम कर रही है, बिल्कुल इस पर बेहतरीन प्रोग्रामात का आगाज हो रहा है। अच्छा। बल्कि आप ये देखेंगे कि जितना इस हुकूमत में औरत को एक इज्जत दी गई है, एक मकाम दिया गया है, एक उसको हसीयत दी गई है, इससे पहले गुज़िश्ता हुकूमतों ने ये काम नहीं किया गया। लेकिन आप ये देखें कि आखिर हर काम में वक्त दरकार होता है। अब आप सिंध के अंदर अगर चले जाएं तो वहां पर आज भी औरत को उसी निगाह से देखा जाता है जो वो जाहिलाना दौर के अंदर एक निगाह से देखा जाता था। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान के अंदर एक औरत भी मर्द के शाना बशाना होगी। अच्छा आसिम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप ये बताइएगा कि ये कौमी और बैन अल-कौमी सतह पर ये जो बुनियादी इंसानी हकूक है इनके तहफ़ के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म जो हैं ये मुहैया किए जाते हैं? मैंने पहले भी जिक्र किया कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है जी, अक़वाम मुत्तहिदा है हमारा, तो वहाँ इंसानी हकूक की बात की जाती है। हमारे यहाँ जब भी कश्मीर का मसला हो, किसी और मुल्क में जुल्म और ज़्यादती हो, तो हम यूएनओ से की मुतालबा करते हैं कि यूएनओ जो है वो अपना इसके अंदर किरदार अदा करे। अच्छा। अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत सारे ममालिक पर मुश्तमिल जो है एक तंजीम है जो कोई भी देखती है कि इंसानी हकूक की यहाँ खिलाफ वर्जी हो रही है तो उसके ऊपर वो अपना लायमल देती है। अच्छा। और आइंदा उसके ऊपर जो फैसला देती है कि यहाँ वाकयतन ज़्यादती हो रही है और ये नाइंसाफ़ी और ज़्यादती जो है वो बंद होनी चाहिए। इसी तरीके से हर मुल्क के अंदर मकामी सतह पर जो है ऐसी तंजीमें काम कर रही हैं। बार बार जिक्र हुआ यहाँ पे भी कि पाकिस्तान में भी बेशुमार ऐसी तंजीमें हैं जो इंसानी हकूक़ की आवाज़ बुलंद कर रही हैं और उसके ऊपर काम कर रही हैं। यकीनन हम समझते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई एनजीओज है, कोई इदारा है, तो वो मस्जिद का मेहराब है। इसलिए कि मस्जिद के मेहराब से एक ऐसा प्रोग्राम आप तश्कील दे सकते हैं कि जहाँ से सैकड़ों नहीं लाखों लोग जो हैं वो इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसलिए कि मज़हब के मानने वाले आज भी बहुत ज़्यादा हैं और मस्जिद से वाबस्ता लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, तो मस्जिद जो किरदार अदा कर सकती है वो सबसे अहम किरदार होता है। तो इसलिए कि मस्जिद को, मदरसा को, इमाम मस्जिद को बुनियादी इंसानी हकूक पर, औरत के हकूक पर और इस्लाम और जमहूरियत पर वोट के जो अहमियत है उसके ऊपर जो है ये जदीद मसाइल है, इनके ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए। और फिर कोरोना वायरस की आपने दरमियान में बात की थी कि कोरोना वायरस पर भी जो इमाम मस्जिद किरदार अदा कर सकता है कोई और नहीं कर सकता, इसलिए कि मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो उनको एहतियाती तदाबीर से आगाह किया जा सकता है, बुनियादी इंसानी हकूक़ पर उनको तरबियत दी जा सकती है, औरतों के हकूक़ पर भी उनको तरबियत दी जा सकती है। अच्छा इलामा गुलाम अब्बास शिराजी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप क्या समझते हैं कि जो कौमी सतह पर हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनके तहफ़ के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म मौजूद हैं हमारे पास? इस हवाले से जो जितने भी हमारे इदारे हैं, कौमी इदारे हैं, वो यकीनन मसलन वो अगर पुलिस से लेकर अदलिया और तमाम इदारे जो हैं ये बुनियादी हकूक़ जो हैं उसके लिए जो हैं वो काम कर रहे हैं, लोगों को उनके हकूक़ की का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसके लिए वो काम कर रहे हैं। और उससे ज़्यादा जो है ऊपर चलते जाएंगे तो
वो बैन अलावामी सतह पर इदारे हैं जिनके कन्वेंशन जो हैं वो मौजूद हैं कि बच्चों के राइट्स के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, बूढ़ों के हवाले से, और एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क पे जो है वो हमला नहीं कर सकता, एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क की ज़मीन जो है वो अपने कब्ज़े में नहीं ले सकता। तो इस तरह बैन अलावामी सतह पर भी जो है वो यूएनओ के जो है वो चार्टर पे ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा। तो उस हवाले से जो है वो बहुत सारे इदारे जो हैं वो सरगर्म हैं हमारे। अच्छा, मैं अपना आपकी तरफ आऊँगा इलामा असगर आरिफ साहब, आप ये मुझे बताइएगा कि ये कौमी और बैन अलावामी सतह पर इंसानियों के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनके तहफ़ के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर जो अभी हमारे जो कौमी इदारे हैं वहाँ पर कौन कौन से, आप क्या समझते हैं कि कौन से लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं? देखें जी, इस पर बहुत ज़्यादा तवील फहरिस्त मौजूद है जो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इस जगह पर पीस एंड एजुकेशन को ये समझता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा इदारा है जो अवामुन्नास के अंदर लीडरशिप प्रोग्रामात करवा रहा है, जिसमें उलामाए किराम को इकट्ठा करके ये दुनिया के अंदर हर सतह से, पूरे पंजाब से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के अवामुन्नास को, उलामाए किराम को, खतीबों को, इमाम मसाजिद को इकट्ठा करके लीडरशिप प्रोग्राम कर रहा है। और ऐसे ही कई और इदारे मौजूद हैं जो मुल्क के अंदर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ इसमें मजीद काम करने की ज़रूरत है, इसमें मजीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है, इसमें मजीद आगे बढ़ने तो की वो बेहतरी कैसे आएगी, किस तरह से आएगी वो बेहतरी? इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसमें जो बेहतरीन अमल है, जो सबसे अहसन अमल है, वो मुझे भी पता है हुकूमत की तरफ से होना चाहिए, और इंशाअल्लाह हुकूमत इस चीज़ पर गामजन है, इस चीज़ पर नज़र रखे हुए है कि किस तरह पाकिस्तान को हम तरक्की की राह पर गामजन कर सकें, किस तरह पाकिस्तान के अंदर से हम ये मईशत जो बेहतर है इसको हम बना सकें, किस तरह इस पाकिस्तान के अंदर से गुरबत का खात्मा कर सकें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह से भी दुआ करनी चाहिए, और हमें हमेशा अच्छे की तवक्को भी रखनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान का ये एक शेवा बन चुका है, मामूल बन चुका है कि अगर कोई अच्छा काम करे उसे भी डिस्करेज करो, अगर कोई बुरा काम करे तो उस पर खामोश हो जाओ, लेकिन अगर अच्छा काम हो रहा है तो उसे खिराज तहसीन पेश करना चाहिए, और उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि उसकी हौसला अफजाई हो ताकि मजीद बेहतर से बेहतर आगे काम हो सके। अच्छा, बहुत शुक्रिया आप सबका। मेरे पास अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।